हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं चार मीनार। चार मीनार जाने का मकसद और मेन रीज़न ये है कि हम सुबह जल्दी उठ गए थे, कुछ और नहीं मिला, तो हमने सोचा क्यों ना चार मीनार की सैर की जाए। अर्ली मॉर्निंग चार मीनार देखना एक अलग ही फीलिंग है, क्योंकि ठंडा मौसम होता है, आपको ट्रैफिक कम मिलेगा। जो डिस्टेंस 14 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है सिकंदराबाद से चार मीनार का, वो आपको डे टाइम में कवर करने के लिए कम से कम 1.5 घंटा लगेगा। इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है ओल्ड सिटी में और सिकंदराबाद में। लेकिन अगर आप अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट निकलते हैं तो यही डिस्टेंस आपको मात्र 30 मिनट्स में आप कवर कर सकते हैं। वही हमारे साथ हो, 14 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोगों ने 35 मिनट्स में हम लोगों ने कवर कर लिया था और हम पहुंच गए थे चार मीनार पर। चार मीनार के बारे में एक खास बात आपको बता दें, ये एक आइकॉनिक प्लेस है हैदराबाद का, हैदराबाद के लिए जानी मानी है। हैदराबाद को अगर आप किसी के सामने इंट्रोड्यूस करेंगे तो पहला शब्द आएगा चार मीनार। वही हम देखने जा रहे हैं और हम पहुंच करके आपको बताएंगे कि वो कैसा दिखता है, वहाँ की मार्केट के बारे में, वहाँ के लोकल लाइट्स के बारे में हम आपको बताएंगे। हैदराबाद में 3 चीज़ें बहुत फेमस हैं, हैदराबाद का चार मीनार, हैदराबाद की हिंदी और हैदराबाद की बिरयानी। अगर आप हैदराबाद में आ रहे हैं तो इन तीनों चीज़ों को मिस ना करें। अभी हम बढ़ते जा रहे हैं, ये है एक द्वार जो एंट्रेंस पार्ट है चार मीनार के लिए। चार मीनार की चार दिशाएं हैं, चारों अलग अलग दिशाओं में बनता है। हमें रास्ता अंदर जाने तक नहीं मिला, इसलिए हम लोगों ने रीरूट किया, दूसरे गेट से होते हुए हम लोग गलियों के अंदर से होते हुए चार मीनार के जितने पास हम जा सकते थे उसका हम ट्राई कर रहे थे। हमने फिर ट्राई किया, यहां से भी हमें एंट्रेंस नहीं मिली। हमने फिर रीरूट किया, फिर थोड़ा लंबा घूम करके थोड़े मार्केटों के बीच में से जा करके एक और मेन रोड पकड़ के हम लोगों ने लेफ्ट ले करके हमारी गाड़ी की स्पीड बढ़ा के जल्दी जल्दी पहुंचने के चक्कर में हम लोगों ने भाई बहुत सारे लोगों को ओवरटेक किया, हॉर्न बजाया और जल्दी जल्दी हम पहुंचे चार मीनार के एरिया में। यहां से चार मीनार का डिस्टेंस मात्र 800 मीटर है, लेकिन उसे कवर करने के लिए और उस वहां तक पहुंचने के लिए हमें काफी जद्दोजहद करनी पड़ी, क्योंकि गलियां ही गलियां हैं और छोटी छोटी गलियों में से गुजर करके चार मीनार पहुंचना हमारा उद्देश्य था। सामने आपको दिखाई दे रहा है चार मीनार, चार मीनारों वाली एक इमारत जिसे चार मीनार। दशहरा के टाइम में सुबह सुबह इतनी रौनक। कितना बड़ा मार्केट है, दिन में तो कितनी भीड़ रहती होगी। मंदिर के चक्कर में भीड़ है शायद। ऑनलाइन हो जाता अंदर जाएंगे क्या? यही है वो मंदिर जो फेमस है बहुत, चार मीनार की दीवार से लगा हुआ। दीवार के साथ जुड़ा हुआ है ये मंदिर और इस तरह से ये मीनार दिखाई देती है।
बहुत खास है ये मंदिर। अगर आप इस प्लेस पे आ रहे हैं, चार मीनार आप विजिट कर रहे हैं, तो ये मंदिर देखना ना भूलें। बहुत ही सुंदर मंदिर है और चार मीनार के कंपाउंड एरिया के अंदर है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आकर के यहाँ पे ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और खास बात आपको एक बता दूं, आज सुबह यहाँ 6 बजे या 7 बजे जाएंगे तब भी आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ शॉपिंग के लिए मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दुकानदार, दुकानें, रोड शोज बहुत जल्दी खुल जाते हैं। रोड शो से मेरा मतलब है जो दुकानें रोड पे लगती हैं, जैसे चाय की दुकान हो गई, शर्ट की दुकान हो गई, और कोई आइटम आप खरीदना चाहते हैं, चूड़ी खरीदना चाहते हैं, वो सब। चार मीनार की एक साइड में है लाडो बाजार और दूसरी साइड में है मक्का मस्जिद, जिसमें आप मतलब मॉन्यूमेंट्स इतने सुंदर हैं कि आप उसका एक अलग फीलिंग आप वहां पे जाकर के महसूस करेंगे। ये हमारी बाइक जिसका बर्थडे था, इसे हमने लास्ट 15 अक्टूबर को लिया था और आज दशहरा के दिन इसका बर्थडे है, तो हम इसे घुमाने लाए हैं, क्योंकि ये सुबह से रो रही थी मुझे घूमने जाना है, तो हम लेके आए। चार मीनार का सफर होता है यहीं खत्म। अब हम लौट रहे हैं अपने घर की तरफ, निकल पड़े हैं हम चार मीनार से। चार मीनार में आपको ज्यादा कुछ देखने को नहीं रहता, चार मीनार और ये चार मीनार का जो गेट है, जो सीढ़ियां हैं ऊपर चढ़ने के लिए, वो सुबह 9 बजे खुलती है, तो आप अगर उससे पहले जा रहे हैं तो आप अंदर नहीं चढ़ पाएंगे, ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, चार मीनार को आप क्लोजली नहीं देख पाएंगे। और कुछ नहीं, यहीं से सफर शुरू होता है घर लौटने का। बीच में कुछ कुत्ते वुत्ते मिले, जो प्यारा सा पिल्ला था वो रोड पे भटक रहा था, हमने ट्राई किया उसे साइड में करने का, उसके बाद हम अपने रोड पे निकल पड़े। ओल्ड सिटी और सिकंदराबाद में सिर्फ 14-15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं मूसा रिवर को, हालांकि चलाते चलाते वीडियो बन रहा है इसलिए हम आपको रिवर नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन मूसा रिवर हैदराबाद की एक शान है, उसकी भी अलग कहानी है, वो आप किसी दिन हम अलग चैनल बनाकर के, अलग वीडियो बनाकर के मूसा रिवर के बारे में भी आपको बताएंगे। इसका विवरण आपको लुम्बिनी पार्क में जो शो होता है, लेजर शो होता है, उसमें मिल जाएगा, उसमें उस कहानी के बारे में डिटेल्स जरूर बताएंगे। आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ।